सलमान खानच्या घरावरील गोळीबार प्रकरणी दोन आरोपी मुंबई पोलिसांच्या ताब्यात. आरोपींना 10 दिवसाची पोलीस कोठडी. 14 एप्रिलला पहाटे अभिनेता सलमान खानच्या घराबाहेर गोळीबार करण्यात आला. या प्रकरणाचा तपास गुन्हे शाखा करत होती. CCTV मध्ये दुचाकीवर 2 जण असल्याचे समोर आले होते. त्यापैकी मागे बसलेल्या आरोपीनं 5 गोळ्या झाडल्या होत्या. गुप्तचरांच्या मदतीने आम्हाला दोघांची माहिती मिळाली होती. दोन्ही आरोपी गुजरातमध्ये जाऊन लपले होते. त्यानंतर गुजरात पोलिसांच्या मदतीने आम्ही दोघांना पकडून मुंबईत आणले. या घटनेनंतर काही वेळातच अनमोल बिश्रोई याने सोशल मीडियावर SMS लिहून घटनेची जबाबदारी स्वीकारली. या आरोपींना न्यायालयात हजर केल्यानंतर 25 तारखेपर्यंत त्यांना पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. त्यांचे लोकेशन मिळाल्यानंतर आम्ही गुजरात पोलिसांना कळवले होते, कारण आम्हाला संशय आला होता की या दोघांकडे शस्त्रे आहेत आणि आम्हाला बॅकअपसाठी स्थानिक अधिकाऱ्यांची गरज होती. त्यानंतर आम्ही दोघांनाही पकडले आणि आमच्या ताब्यात घेतले. या दोघांनी सलमान खानच्या घराची 3 वेळा रेकी केली होती. प्राथमिक तपासात ही बाब समोर आली आहे. आता आम्ही अधिक तपास करणार आहोत. विकी गुप्ता 24 वर्ष आणि सागर कुमार पाल 23 वर्ष अशी आरोपीची नावे आहेत. आम्ही शक्य तितक्या विविध बाजूने तपास करणार आहोत. प्रायमरली दे हॅव डन रेकी ऑफ द हाऊस ऍट लीस्ट 3 टाइम्स. दिस इज द प्रायमरी इन्फॉर्मेशन विच इज सब्जेक्ट टू करेक्शन और सब्जेक्ट टू इट मे बी करेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन इन टू द इश्यू. In this particular incident, Anmol Bishnoi on the 14th April itself, and his language is threatening. So Anmol Bishnoi's role prima facie is visible. Regarding every other accused, we will investigate and anything, and we will investigate the issue and all possible angles will be investigated in the due course. देर इज नेवर अ इश्यू ऑफ कोऑर्डिनेशन. वी आर ऑल सिस्टर एजेंसीज. वी आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम कंट्री, पार्ट ऑफ द वेरियस स्टेट. हिंदी में बोलता हूँ तो ऐसा किसी तरह का कोई किसी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नहीं है. हमारे हिसाब से जो 2 एक्यूज थे उनके बारे में हमें एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मिल रही थी. बाद में जैसा कि मैंने कहा, ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस के आधार पर वो इन्फॉर्मेशन और थोड़ी प्रेसाइज हो गई. और जो 2 आरोपी एक्यूज हमने उसमें पकड़े हैं, एक विक्की गुप्ता है 24 साल का, दूसरा सागर कुमार पाल है 23 साल का. ये दोनों लोग वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं. एज ऑफ नाउ ये दोनों लोगों को हमने पकड़ा है. एक ही आदमी पूछिए और मुझे लैंग्वेज बता दीजिए कि तीनों में से कौन सा है. आपलं काय ओके मी आपल्याला ऑलरेडी म्हटलेलं आहे की जेवढे सर्व पॉसिबल अँगल्स आहे आम्ही सर्व पॉसिबल अँगल्सनी इन्व्हेस्टिगेशन करणार आणि जसा जसा पुढे इन्व्हेस्टिगेशन मध्ये निष्पन्न होईल तसा तसा पुढे कारवाई करण्यात येईल. ऍज ऑफ नाव आम्ही 2 आरोपींना अटक केलेले आहात. ते नाव आपल्याकडे 2 तासापूर्वीच आले. आपली टीम त्या विषयावर इन्क्वायरी करता है. दिल्ली कैसे पहुंचे थोड़ा बताइए. जैसा कि मैंने बताया है कि अभी हमको PCR मिला है, आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे. इस इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें खुलती है. मैंने आपको बताया कि जो भी पॉसिबल एंगल्स हैं, सारे पॉसिबल एंगल्स से हम लोग इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं. अगर ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है तो उस हिसाब से भी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा. ऑलरेडी कॉन्स्पिरेसी के सेक्शन गुने में लगाए गए हैं. ये 2 आरोपी अलग थे तो क्या ये आरोपी निश्चित हो गए कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन एक अलग डायरेक्शन.
साहब ऐसा नहीं है, हर कोई सब प्रोफेशनल एजेंसीज है, सब अपने अपने हिसाब से अच्छे से व्यवस्थित प्रोफेशनली करती है। हमको इनके खिलाफ पुरावा था, हमको इन्फॉर्मेशन थी, हमारे पास सटीक थी, तो इसलिए हमने अरेस्ट किया। अब आगे मैं सिर्फ अपने अपने केस से रिलेटेड मुद्दों पे कमेंट कर सकता हूँ, बाकी विषय पर काइंडली डोंट आस्क क्वेश्चंस विच आर नॉट एग्जैक्टली रेलेवेंट। आप हमारे इन्वेस्टिगेशन से बारे में जो मुद्दे मेरे गुने से संबंधित है मैं उस पर आपको उत्तर दे सकती हूँ। आप कृपया एक एक करके पूछिए, जो मैं बता सकता हूँ मुझे मालूम है मैं बताता हूँ, बाकी जो भी है वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी सामने आएगा वो आपसे हम बाद में बात करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि ह्यूमन और टेक्निकल इंटेलिजेंस के आधार पर हमको लीड मिली, उसके आधार पे हमने काम किया। Summarize it for you. We have arrested the accused today only, both the accused. He has been given custody till 25th April. We will investigate all possible angles and whatever comes to the front, whatever we are able to know during the investigation, maybe at a subsequent stage we will get back to you. मैंने आपके ज्यादातर क्वेश्चंस का एक जनरल आंसर मैं आपको देता हूँ कि जहाँ पर जो भी आप लोग बाकी लोगों का नाम ले रहे हैं उनके खिलाफ जहाँ जहाँ पे भी गुने हैं संबंधित स्टेट पुलिस की टीम्स या बाकी जो भी एजेंसीज टीम्स हैं हम उनके सबके टच में हैं, सबसे जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम कलेक्ट कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन सारे पॉसिबल एंगल्स पे कर रहे हैं, जो भी सामने आएगा सब्सिक्वेंट स्टेज पे हम आपसे दोबारा बात करेंगे। दिस इज नॉट करेक्ट टू से, ऑलरेडी द कंसर्न्ड ब्रांच ऑफ द मुंबई पुलिस हैज गिवन हिम फुल सिक्योरिटी, देयर वर लॉट ऑफ पीपल, बट स्टिल इफ यू वांट टू हैव फर्दर डिटेल्स मे बी यू कैन कॉन्टेक्ट द कंसर्न्ड ऑफिसर। मोटिव क्या लगता है, थ्रेट करना सर? पंजाब हरियाणा से आकर है कि जगह पहली बार जसा मी आपल्याला सांगितलेलं आहे, आरोपी आम्ही 2 तास पूर्वीच पकडलेले आहेत, आताच त्यांची PCR मिळालेली आहे, आपल्याला आपण थोडा वेळ द्यावे जेणेकरून सगळ्या अँगल्सवर तपास करणं शक्य होईल, आणि आणखी जे काही आपले प्रश्न असतील और इफ यू हॅव एनी फर्दर क्वेश्चन मे बी आफ्टर फ्यू डेज आफ्टर इन्व्हेस्टिगेशन इन टू द ऑल पॉसिबल अँगल्स वी विल कम बॅक टू यू। बाकी लोकनायक न्यूज़।